अरे चलना जी भाई गोरी गिरीड बाजारिया, अरे चलना जी भाई। बताना थोड़ा दिखाइए पंडित जी, ये नोट बताओ कितने का है, फिर नीचे देख रहा ऊपर देखियो। 100 रुपए का नोट है, देख लीजिए। नहीं बताना पन्ना, दर्शकों देख पा रहे हैं ये पैसा चेक कर रहा है, कितने का पैसा पन्ना सही बताना। 50 का नोट। 50 का नोट कैसे? साजिद को भी कई बार फोन लगा, एक बार साजिद को फोन लगाइएगा थोड़ा सा। साजिद का नंबर याद है? याद है। एक बार लगाइए साजिद का नंबर, एक बार साजिद का, साजिद का नंबर लगाइए। फोन लगा रहे हैं अभी ये साजिद के पास, देखिए आ गया है साजिद के पास, फोन लगाया है, फोन आ गया है। जी भाई गेरानी देखा बंदी रवा, अरे चलना है जी भाई गेरानी देखा बंदी रवा। अखंड मंडलाकारं व्यापतमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितमेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै नकारं नमः शिवाय नमो नमः। आगे की जानकारी के लिए हमारे जगन्नाथ बाबू पत्रवाहक हैं, उनसे आप थोड़ा इनका विचार कीजिए। अभी मैं नम्र निवेदन से मैं अपना कहता। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसी ने शशि कहा है, कौन कहता है कि आसमान में सुरंग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुरंग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो मेरे यारों। तो निश्चित रूप से ऐसा ही वाक्या है जो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। अनकही अनसुलझी और अजीबो गरीब दास्तान है। इसने ये भी सच ही कहा है कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता दोस्त, न जाने लोग इरादे क्यों तोड़ देते हैं, अगर सच्ची लगन हो दिल में तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ऐसा ही वाक्य आज बीएनबी आपको दिखाने जा रही है, जो देख करके आप भी एक बार चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा भी होता है। जी मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ओझाड़ी पंचायत के बनगारी गांव के पन्ना सिंह, जो नेत्रहीन है और नेत्रहीन होने के बावजूद भी दिल्ली गुजरात सूरत शहरों का भ्रमण करके आ गए हैं, और इसके अलावे इनकी खूबियां पैसों को बगैर देखे बता देंगे कि कौन पैसा कितने का है बता देते हैं। दूसरी बात यह है कि मोबाइल नंबर एक बार अगर याद कर लिया तो दोबारा ये बता देते हैं। तीसरी बात यह है कि ये ढूंढते ढूंढते बेंगाबाद जहां बीएनबी का स्टूडियो है वहां पर आज पहुंच गया है खोजते खोजते। और खास बात यह है कि गाना भी ये गाते हैं। आइए इन सब बातों को लेकर के उन्हीं के पास चलेंगे, और आप लोगों को देखने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा और आप लोगों को आज दिखाएगा भी। आइए हम लोग चलते हैं पन्ना के पास। क्या है आपका नाम हुआ पन्ना जी? पन्ना कुमार सिंह, मेरा घर है बनगारी। हाँ मैं विकलांग हूँ पूरी तरह से, फिर भी मैं रोड में चल लेता हूँ। अच्छा बाबूजी का नाम क्या हुआ आपका? ठाकुर सिंह। अच्छा आप क्या करते हैं? कुछ करते हैं? कुछ नहीं, बस घूमते रहते हैं जी। अच्छा तो आज यहाँ हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, क्या कारण से आए हैं, किस कारण से आए हैं आप? सोचे कि अपना वीडियो भी एगो बना के दे रहे, छोड़ेंगे यूट्यूब पर में भी। अच्छा यूट्यूब में छोड़ेंगे, एक वीडियो बना रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इनका वीडियो को जरूर पूरा देखें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, है ना? हाँ तो बोलो पन्ना तुम क्या कहना चाहता है? हम पैसों का नोट जितना भी दीजिएगा मेरे को, मैं आपको मैं बिन देखे हुए मैं बताऊंगा एकदम दिल खोल के। दिल खोल करके, सबसे पहले दिल खोल करके एक पहले आप गाना सुनाइए आप हमारे दर्शकों को, उसके बाद हम लोग पैसे पर जाएंगे, मोबाइल नंबर चेक कराएंगे कि आप सही में देखते हैं या सही जांच करते हैं। गाना सुनाइए। अरे चलना जी भाई गोरी गिरीड बाजारिया, अरे चलना जी भाई गोरी गिरीड बाजारिया, अरे चोरा कीन देवो गोरी गेरुआ कलर के साड़ी, अरे कीन कने घर आए बोर चली जेबो 4 बजे भोर, अरे सुनतान गंजावा गे गोरी चले जाई भाई, अरे सुनतान गंज सनी जाई कनी जलावा भोरी ले भाई, अरे कांधे मनी कमर सजा कनी अरे चल रे भाई, बोले कनी 105 किलोमीटर हमें
अरे यार जेब है, अरे यार कनी 1 लाख बीड़िया में, अरे हमी चल रजे भाई, अरे भोला बाबा के मंदिर हवा, अरे वही जाई कानी जलावा चढ़ाई रे दे भाई, अरे भोला बाबा के मांगी ले भाई बरदाना वा। हाँ तो ये पन्ना बोलबम के लिए आपने गाना गाया है, तो बोलूँ कि आपकी शादी हो गई है? नहीं नहीं हुई तुम्हारा है, हूँ तो किसके लिए आप साड़ियां खरीदेंगे? सड़िया खरीदेंगे कि मेरा बहन है दीदी है इतना इन अच्छा लोगों। अच्छा जो बोलबम जाएगी सब उसके लिए ना? जी अच्छा, तो पन्ना मतलब ये बात बताओ कि तुम देख भी नहीं पाता है, सूरत भी एक बार चल गया था, फिर सूरत जाने के बाद में तुम परेशान हो गया, तो कौन मदद किया था? जगन्नाथ मंडल ने, सॉरी जगन्नाथ बाबा ने मेरे को आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद से मैं घर भर के लौट के आया हूँ। अच्छा, तुम हमको फोन किया था, हमारा नंबर जी याद रहता है? हाँ नंबर बतला देते हैं एक बार पर, हाँ क्या नंबर है बताओ। 9778201001। वाह, तो अंग्रेजी भी जानता पन्ना तुम, तो तो कि स्कूल स्कूल नहीं गया, स्कूल गए हैं बनगारी का उत्कर्मी मध्य विद्यालय बनगारी वहां पढ़ा है? पढ़ा हूँ, पहाड़ा भी मैं बता देता हूँ। ये कब से तुम आंख से नहीं देख पा रहा है? होने के 2 महीने के बाद से मैं नहीं देख पा रहा हूँ आँख में। 2 महीना से? तो हाँ मेरा मम्मी भी बोला कि आपका आँख को खा गया, इसीलिए 2 महीना से पहले देखता था क्या? पहले मतलब जिसके जिस टाइम में हम जलमल थे उसमें मेरा मम्मी पापा बोल रहा कि आपका आँख ठीक था, अच्छा मतलब 2 महीने के बाद से मेरा आँख खराब हो जाने के कारण अच्छा से। जी जन्म के बाद 2 महीना के बाद में आंख तुम्हारा खराब हुआ? अच्छा, तो पन्ना अभी तुम क्या करना चाह रहा है आगे? सरकार तुमको तो पेंशन दे रही है ना दिव्यांग का? दे रहा तो उतने से तो मेरे को नहीं पूरा हो रहा है, तो मैं सोचे कि एगो वीडियो वायरल करेंगे तो आदमी लोग देखेगा तो मेरे तो कुछ तो मिलेगा जरूर। कुछ फायदा मिलेगा, तो हाँ देख रहे हैं दर्शकों इनका वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइबर अवश्य कर दें, ताकि जो व्यूवर्स बढ़ेगा और जो इनकम आएगा हमारे चैनल का, इनको बेनिफिट मिलेगा, तो जरूर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, तो पैसे वाला जहां तक बात रहेगी, तो पहले आप पैसे का कमाल दिखाइए, हम कितना का नोट देंगे आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? हाँ बता देंगे अभी भी। बता दीजिएगा हाँ पंडित जी, थोड़ा सा निकालिए, पैसा निकालिए, एक एक करके निकालिएगा इनको, एक एक करके आप ऊपर देखिएगा, नीचे नहीं देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं देखेंगे, हम ऊपर देखेंगे कैमरा कुछ तरफ, कुछ नहीं दिख रहा है कुछ नहीं देख रहे हैं, आपको? कुछ भी नहीं दिखता है? कुछ हाँ नहीं, मेरा ओको कटी मालूम नहीं है, मैं अंदाज के वजह से मैं चलता हूँ रोड में, अगर चप्पल पहन लेंगे हम तो हाँ रोड में नहीं चल पाएंगे। अच्छा, ये नोट कितने का पन्ना बताना, थोड़ा दिखाइए पंडित जी, ये नोट बताओ कितने का है, फिर नीचे देख रहा, ऊपर देखियो, 100 रुपए का नोट है, देख लीजिए वीडियो में। 100 रुपया का नोट है, देखिए गजब इसका कायडिया, 100 रुपया बता दिया। और पंडित जी और निकालिए, एक बार निकालिए, तो और ऊपर है, देखिएगा नीचे नहीं देखिएगा आप? हम लोग को शक है कि कहीं आप कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं नहीं इसलिए। नहीं गड़बड़ हाँ नहीं। हाँ रुकिए, पट्टी बांध दीजिए पंडित जी, पट्टी बांध दीजिए थोड़ा इनको, कहीं हो सकता है दर्शकों को लगे, बस बस छोड़ दिए, काफी है काफी है। अब बताना है पन्ना, इस बार तुम बता दिया तो मान जाएंगे कि तुम गजब का खिलाड़ी है, और वाकई ही गजब का। अब बताइए कितने का पैसा है, सही बताना पन्ना, दर्शकों देख पा रहे हैं ये पैसा चेक कर रहा है, कितने का पैसा पन्ना, सही बताना। 50 का नोट, 50 करोड़? कैसे पता चल गया तुमको ये 50 करोड़ है पन्ना, कैसे मैं पता चला? अंदाज से मैं पैसा भी नाप लिया हूँ अपना हाथ से हाँ कि मेरा 500 का नोट भी निकल गया, सिर्फ मैं 200 का नोट में धर चुका जाता है और नया 500 जो निकला उसमें मैं थक जाते हैं। 200 रुपये में 500 में गड़बड़ा जाते हैं आपने, और इस सिक्का का भी बता देते हैं, हाँ सिक्का बता देंगे, ये कितने का सिक्का है पन्ना, थोड़ा सा देख के बताओ। 2 का नोट है, 2 का सिक्का देखिए। 2 का सिक्का है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, 2 का सिक्का है, गजब मानना पड़ेगा और इनकी तारीफ करना पड़ेगा। एक था पहले किसी तरह जिसने नोबल पुरस्कार जीता था, जो पढ़ती थी लिखती थी और सब कुछ कर लेती थी, क्लेन, क्या नाम था उनका, एलेन क्लियर, हाँ एलेन क्लेन एक थी, वो बिल्कुल वैसे ही तर्ज पर ये पन्ना हमारे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ओझाटी पंचायत के बनगारी गांव के हैं। पन्ना और कुछ कहना चाहता है तुम दर्शकों को? हम दर्शकों को यही बोलना चाहते हैं कि हमारे कृपया आगे बढ़ाएं, हमारे सब्सक्राइब करें हमारे, कि अगर आप लोगों को कृपा से अगर मेरा इनकम होगा तो मैं यही तो खूबी में रखा हूँ कि हमारे यही सोचे कि एक वीडियो वायरल करेंगे न्यूज में तो आदमी लोगों देखेगा तो मेरे को इनकम होगा, तो सबको मैं दुआ करता हूँ, धन्यवाद। दुआ करता हूँ। ये शर्ट उट पन्ना इसी तरह पहन रखा है, कपड़ा उपड़ा? कपड़ा उड़ा 1000 रुपये से क्या होगा, 1000 में
तो खाने पीने से खत्म हो जाता था, 1000 रुपए में कहाँ से होगा। मैंने और जो पैसे की जरूरत रहता है, पैसे का मेरे को और जरूरत है, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाएंगे तो कुछ तो मेरे को कमोनी तो मिलेगा जरूर। अगर बेमी से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे तो बेमी वाला तो कमोनी देगा ही जरूर। अरे मतलब यहाँ चैनल में तुम आया है तो कमोनी का तुम्हें लेगा। तो कमोनी तो किसको दीजिएगा आप कमोनी? तो देना पड़ेगा भैया, इसलिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पंडित जी कुछ कहना चाहेंगे इस लड़के के बारे में? हाँ यही हम मतलब जिस समय सूरत गए थे, कैसे गए थे, कैसे आए, नहीं आए, थोड़ा हमको बता पूछिए। सूरत के लिए बताइए कैसे सूरत कैसे पहुंच गया था? घर से मैं गया, उसके बाद में बेंगाबाद में उठाए पैसा 1000 रुपए, उसके बाद में मधुपुर गया, वहां से ट्रेन पकड़े, खेते पीते में चला गया सूरत स्टेशन। उसके बाद स्टेशन के बाद से मैं आपके पास किसी का नंबर, मेरा गांव का नंबर का भूल गए थे, मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया था उस टाइम में ट्रेन में। उसके बाद में आपके नंबर दूसरा नंबर खरीदे आपका, उसके बाद आपके नंबर में मैं कॉल किया, बोले कि आपका नंबर मेरे को बिल्कुल याद है। टिकट कटाया था नहीं कटाया था? नहीं मैं चालू बोगी में नहीं गए थे, ये थे अपना विकलांग बोगी में। इनके नंबर से फोन किए थे? अब मतलब कि बाबा का नाम क्या है? जगन्नाथ बाबू। और उनका मोबाइल का नंबर कितना है? 7979820101। और मेरा साजिश का कितना नंबर है? 7016 68 60 89। बोल रहे शंकर भगवान की जय। ये थोड़ा जगन्नाथ बाबू आप अपने स्तर से थोड़ा आप पत्रकार हैं और इनके दिमाग से थोड़ा आप गजब गजब का टैलेंट है और वो यह टैलेंट इनके अंदर छिपा हुआ है, गजब का है। मोबाइल भी ये फोन कर लेते हैं, फोन भी कर लेते हैं आप? हाँ वीडियो में दिखा देते हैं आपके नंबर में फोन लगा के। हैं आपके नंबर में फोन लगा के दिखा देते हैं वीडियो में? हाँ दिखा दीजिए थोड़ा, दिखा दीजिए मोबाइल नीचे थोड़ा ऊपर। हाँ नहीं दिख रहा है इनको आँख से, कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं लगा तो छोड़ दो, ये नंबर छोड़ दो, पन्ना छोड़ दो, नहीं 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 पन्ना छोड़ दो, ये पन्ना छोड़ दो, ये नंबर। तो आप देख पा रहे हैं ये मोबाइल है इनके पास रहता है, ये मोबाइल में कोई भी नंबर आप दीजिए, एक बार नंबर इनको दीजिए, नंबर याद रहता है और बिना देखे हुए मोबाइल से ये फोन भी करता है। मेरे को भी कई बार इसने फोन किया है, साजिद को भी कई बार फोन लगा। एक बार साजिद को फोन लगाइएगा थोड़ा सा, साजिद का नंबर याद है? याद है। एक बार लगाइए साजिद का नंबर, एक बार साजिद का नंबर लगाइए। क्लोज कैन कर देते हैं। फोन लगा रहे हैं अभी ये साजिद के पास, देखिए आ गया है साजिद के पास फोन लगाया है, ये फोन आ गया है और ये पन्ना अपने मोबाइल से फोन किया है। गजब है, बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको, और गजब कर रहा है, ठीक है। हाँ स्पीकर कट गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो आप देख पा रहे हैं गजब का टैलेंट है। और पन्ना कुछ संदेश देना चाहेगा दर्शकों को, और कुछ कहना चाहेगा क्या दर्शकों को? मैं यही बोलेंगे कृपया हमारे वीडियो को सबको जितना भी देखेगा, कोई भी माता एवं बहनों को भी मेरा वीडियो देखे, सब्सक्राइब मेरे वीडियो को जरूर करें, जरूर करें। तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब इस बार करना ना भूलें, जरूर करें, क्योंकि दिव्यांग पन्ना का सवाल है जो देख नहीं सकता है और चारों तरफ घूमता है और गरीबी का तंगे हाल भी है। आप वस्त्र कपड़ा पहनावा देख पाते हैं इनका, ना पैरों में चप्पल है ना कुछ है, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल वो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे तेरे सुदामा आ गया है वाली स्थिति इनकी है। और देखिए पन्ना मेरे से बहुत बहुत दिनों से जान पहचान है और हमारी दोस्ती भी इनके साथ में है, और यह चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर करने के लिए कह रहा है, तो आप लोग करें और व्यूअर्स भी बढ़ाएं और शेयर भी करें, है ना पन्ना, ताकि दूसरा आदमी देखेगा तब नहीं रहेगा। हाँ सबको कृपया आगे बढ़ावे, मेरा कैमरा मेरा वीडियो सबको आगे बढ़ावे, आप लोगों को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं यही आशीर्वाद देंगे कि आप लोग को आशीर्वाद मेरा तरफ से हर साल मैं एक वीडियो भेजूंगा। मेरा तरफ से यही निवेदन है कि जितना आदमी सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग को मीठा फल मिलेगा जरूर।
जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। वरना कोई गाना अगर याद है तो कुछ गाना भी और आखिरी आखिरी गा दो और गा करके अपनी बात को खत्म करेंगे। कोई गाना याद है, बढ़िया गाना गा दो कोई सा। अरे चल जी बागे रानी दे घर बंदी रवा, अरे चल जी बागे रानी दे घर बंदी रवा, अरे वहीं जाई कानी किनर दे बोतरा गिरुआ कलर कानी सुटावा, अरे वहीं चली जे बागे रुआ कलर के सुटावा किनर देवो, अरे तोरा किनी कानी लानी देवो घरावा, अरे किनी कानी लानी रे देवो रानी दे घर बाजरिया से, तोरा जे किन कानी अरे बिन देखे हुए हमें जाई कानी दुकानावा से, अरे किनर देवो तोरा जे लाल कलर कानी साड़ी गे बिना देखे तोर सड़िया किनी देवो। तो देख पा रहे हैं कि एक दिव्यांग नेत्रहीन पन्ना सिंह का कहना है, इनका भाव देखिए कि इनका भाव है कि बिना देखे तुम्हारा साड़ी खरीद देंगे और बोलबम बाबा बैजनाथ धाम देवघर में तुमको दर्शन भी करवाएंगे, है ना। हाँ। और बाबा पर जल भी चढ़वाएंगे। और निश्चित रूप से आप सब बने रहे और ऐसे ही वीडियो हमारे और आगे भी नेक्स्ट आपको एपिसोड में दिखाया जाएगा। फिलहाल इतने के लिए और पन्ना के लिए, मेरे लिए ना सही, इस पन्ना के लिए, दिव्यांग पन्ना के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। आज है 9 अगस्त 2023। हाँ। के मेरा तरफ से वीडियो का लाइक जरूर करें भाइयों दोस्तों। हाँ। इतने में बोलकर मैं धन्यवाद करता हूं सब दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय मां दुर्गा, जय जय हिंद, जय। थैंक यू, थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।